शाहिद जी आए हैं जी। शाहिद जी क्या कहना चाहेंगे आप? म्यूट पे हैं आप। शाहिद जी ने हमारे देखो फैन बढ़ा दी है। आगे 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 बात करेंगे। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। आज तो आप पार्टी कर रहे हैं? आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पार्टी कर रहा हूँ मैं। हाँ हमारे घर में पार्टी कर। किस खुशी में करनी बात? वो वैसे वैसे ही बस। अच्छा। बच्चे इकट्ठे हुए थे वो कह रहे थे ये मानो। एक मिनट में, एक मिनट लगता है शायद जी अपनी फैमिली से बात करवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हाँ तो मैं ये जो बात ये करनी थी, वो जो आपने मैसेज पढ़ा था ना अफगानिस्तान वाला, वो मैंने किया था। आप क्यों इतना डर रहे हैं? आपको अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं तो कोई मसला नहीं, आपको पाकिस्तान में मौलवी आ गए हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आप ना अफगानिस्तान में मौजूद है ना पाकिस्तान में मौजूद है। तो आप बैठी है कनाडा, लेकिन कनाडा में बैठ कर तो आप, आपको क्या लग रहा है कि अफगानी कनाडा नहीं आएंगे? तालिबान उनमें से घुस के यहाँ नहीं आएंगे, मुझे बताइए। अभी जो वहां पे धमाका हो गया अफगानिस्तान में, जो धमाका हो गया, यानी हम वहां नहीं बैठे हैं तो क्या वहां पे जो लोग मर रहे हैं उनके ऊपर हम बात भी नहीं करें? अभी कहना चाह रहे हैं कि वो जो लाइफ करें, बिल्कुल करें। हाँ तो मगर ये आपकी शरीयत है, हम नहीं चाहते यहाँ पर आए, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हो। भाई देखिए मैं शाहिद जी, मैं यहाँ 25 साल से रह रही हूँ। 25 साल में कितना बदल गया है कनाडा, ये आपको पता नहीं है? आप कभी वहां से मोहल्ले से बाहर नहीं निकले, आपको क्या पता है यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज हुई? क्या मतलब है? तो फिर आप ऐसे करें ना, फिर आप कहीं मेरी बात सुने, फिर आप कहीं और चली जाएं। अगर उधर भी तालिबान आ गए हैं, आपने सारे चीज हर जगह की है, आप वो देखो ना इंग्लैंड में क्या हाल किया हुआ है। आ जाए, कोई जगह छोड़ी है आप लोगों ने? अच्छा आप लोग इतना कुछ हो रहा है, और मेरी बात सुनो, फिर जो इतना कुछ हो रहा तो फिर इस्लाम को मान ले ना, फिर कहीं इस्लाम की अपनी ताकत तो है ना, तो पूरी दुनिया ना ये बात नहीं आप मानेगी ना, ना 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 ये बात नहीं आपने मान। इस्लाम की ताकत क्या? इस्लाम की ताकत क्या है? यानी तो फिर आपको खौफ नहीं होना चाहिए ना? सुने तो, लड़कियों को मारो, लड़कियों को बुरके में पहना दो, जो गेज और होमोसेक्सुअल उनको छत से नीचे करके मार दो, हर किसी को मार दो, मार दो ना। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं कहाँ मार दिया, किसने मारा है? किसी ने नहीं मारा मैडम, किसी क्यों नहीं मारते? ओ मेरी बात सुने महलीज, ऐसे ना किया करें। देखें आप इधर बैठकर तो ऑर्डर जारी कर देती हैं, नहीं ऐसा हो रहा है। मैं क्योंकि अच्छा, मैं कह रही हूँ, ये 9/11 किसने किया था? यहूदियों ने। ओ, वो सारे यहूदी आए थे? अब क्या हुआ? अब क्या हो गया ना वो सारे? अच्छा मुझे एक बात, नहीं नहीं आप मुझे बताइए, इंडिया में जो अटैक्स हुए थे वो जो उनके होटल वगैरह पे, वो किसने करवाए? वो भी यहूदियों ने करवाए थे? कहां कहां कहां? इंडिया, इंडिया में। अच्छा और मिश्रा आपने मुझे सिर्फ मुझे मुझे भी एक सवाल था, करवाए मुझे बताएं किसने करवाए थे? किसने करवाए थे? तो वो हमने करवाए, मुसलमानों ने करवाए थे? नहीं तो और किसने करवाए थे? हिंदुओं ने करवाए थे? वो आप ऐसे तो नहीं ना करते, वो दहशत, मिस्र बहुत दहशत करते थे। नहीं वो अल्लाहिया के नाम पे मार उनके, रहे थे उनके उनको, बात को आप किसी नहीं हूर्स नहीं क्या मतलब आपके कहने से? तो मिस्र जो भी थे, जो भी थे क्या मतलब? नहीं वो तो फिर आपके कहने से भी नहीं ना होगा कि वो दहशत गर्द थे। दहशत मेरी बात सुने जी, एक बात किसी वो हमारी शरीयत है इस्लाम की है, आप इस्लाम में है नहीं तो आपने आपने गुफ्तगु करनी है कि जी वो जी शाहिद जी आप एक काम करें ना, आप अफगानिस्तान चले जाएं, आप अफगानिस्तान में बैठे हैं, आप अफगानिस्तान चले जाइए, आपको इतना अच्छा लगता है शरीयत और तालिबान तो आप वहां जाए ना। तो पाकिस्तान में क्या है? इधर आपने दोनों जगह पर इतराल लगाया है, अब मैं अफगानिस्तान में रहूं या पाकिस्तान में? शरीयत नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, पूरी शरीयत नहीं है। जिस दिन आ गई ना, उन्होंने शरीयत आप यहां पे उनसे बात नहीं कर रहे हो क्या? आपका इंटरनेट सबसे पहले बंद हो जाएगा। क्यों किस लिए? ऐसे ही बंद हो जाएगा आप? ओ मलीज आप इधर बैठकर कहीं जा रही है, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हुआ तो कभी नहीं कुछ, मुझे आपके कहने से नहीं होगा। मिस्र पत्थर बदल गया है, आप भी थोड़ा सा इंटरनेट चल रहा है बताइए।
मुझे पाकिस्तान का पूछें, पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, नहीं नहीं अफगानिस्तान में क्या पाकिस्तान हो में रहा है, इस वो वजह छोड़ दे, से चल रहा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान का। पाकिस्तान में इस हाँ वजह से चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है, शरीयत नहीं चल अच्छा रही अच्छा 100% इस वक्त, शरीयत नहीं ठीक चल है। रही 100%। जिस दिन शरीयत आ गई हाँ ना आप पे, तालिबान वाला सिस्टम आ गया ना, तो सबसे पहले आप ही ऐसे लोगों को ही सबसे फटेगी, मैं बता रही हूँ। ये इंटरनेट इंटरनेट अच्छा, सब मुझे बंद हो जाएगा, अच्छा दिस इज अभी मैं योर एक सवाल शरिया। कर, जी हाँ शरिया बिल्कुल, शरिया जो है ना वो सब इंसानों को बराबरी का ही हुक्म देती है, तो क्या आपने राइट। पढ़ी कोई नहीं शरिया, बस अच्छा तो आपने मुझे ये सुनी बताएं, सुनाई बातों पर बराबरी का बात कर हुक्म लेती देती हैं। है, बराबरी का हुक्म देती है, तो औरत को आप बराबर ट्रीट कर रहे हो कि उसको बुरके में बांध कर उसको अंदर घर में डाल दो, या जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, जो सेम सेक्स के जो लोग होते हैं, उनको उठा के ऊपर से नीचे फेंक दो, ये शरीयत है या आपकी इक्वालिटी है? कहाँ लटका दिया, मुझसे किसने नहीं नहीं लटका दिया, कौन से इक्वालिटी किसने हो, लटका कहाँ दिया? की बात आप आपके कर रही खुद हैं, आप पाकिस्तान में में तो कोई शरीयत ऐसी में हो, बात आप नहीं हो कहाँ रही। रह रहे हो, आप कहाँ रहते हो मुझे ये बताओ, आप कहाँ रहते हो पाकिस्तान में मुझे ये बताएं, अच्छा कौन चूड़ी आके कहता है? मैं इधर ही रह रहा हूँ। अच्छा तो मुझे बताओ आप ओ मिस, कितने आप गेज भी को तो जानते कनाडा हो, में बैठकर जो मर्जी कहती कितने रहे। भाई जी आप कितने नहीं गेज और लेस्बियंस को जानते हो पाकिस्तान में, आप मुझे बताइए। नहीं बताए ना, कितने जानते मैं हो किसी गेज, को नहीं जानता, नहीं क्यों नहीं जानता जानते मैं, हो, क्यों नहीं चलें फिर जानते हो, क्या हो गया, क्यों नहीं क्यों नहीं जानता मैं, जानते, क्यों नहीं जानते, क्यों बताएं आप। नहीं जानते? इस वजह से कि कोई खुल के बोलता नहीं है, और हालांकि मैं ये नहीं किसी गेज, को जानता, मैं हालांकि नहीं किसी, मैं लेस्बियन कह भी तो रहा है, हूं नहीं किसी को जानता मैं, किसी इसी वजह से नहीं जानते ना क्योंकि वो खुल के बोलते नहीं है, अगर खुल के बोलेंगे तो उनको मारेंगे लोग। अब मुझे पता है अच्छा एथियस, कितने एथियस को जानते हो आप, क्यों नहीं जानते, तो कितने एथियस को जानते हैं आप पाकिस्तान में, चलो कितने एथियस को अच्छा, जानते हैं आप, आपको बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे, आपको बोल रहे हैं, बड़ी कितने बात है। कितने एथियस को जानते हैं पाकिस्तान अच्छा में, जो बंदा बाहर आके कहता है शायद कि मैं तो मानता जो ही नहीं मशहूर इस्लाम को, बताइए बताइए ना, बहुत मौका, कहाँ है आपका मैं एक को इंसाफ, ही कहाँ जानता है हूँ, उसका नाम इक्वालिटी, कहाँ है है जो पीछे, इंटरनेट की किसी को बात भी नहीं कर नहीं, रही है, पाकिस्तान में कहाँ नहीं एथिस है ही जानते नहीं, किसी, और वो जो है वो लो कनाडा अमेरिका लो में चले गए हैं पाकिस्तान से। आपकी सोच है कि पाकिस्तान में कितने एथियस्ट है मगर खुल के नहीं बताते, आपकी सोच है कितने गेज और लेस्बियंस है पाकिस्तान में, आपको थोड़ी बताएंगे, आपको एक नेटवर्क यूएसए नहीं बताते क्योंकि आप लोग उनके गंदे का इशू बन एडवोकेट गया है। है, आपकी तस्वीर रुक गई है। हाँ बोले अब, हाँ मैं कह रही हूँ कि आप जो है आपके और नहीं यूएसए नहीं काट दो, किसी बताते ने नहीं हैं, काटी, नहीं काटे आप ना। कह रही हैं, बस अच्छा आप कह रही हैं, आपने जो कह दिया वो सच है, बाकी झूठ है। ना, अभी वो जो बंदी थी उसको वहां से निकाला था जिसको ब्लास्फेमी के लिए अंदर डाल दिया था, हालांकि उसने ब्लास्फेमी की भी नहीं थी, उसको अभी निकाला है, वो कितने 10 साल तक वो जेल में रही थी। फिर अभी एक और केस आया था जहां पे वो बंदा कोर्ट में था, कोर्ट में उस बंदे को मार दिया था, उसको क्या कहते हैं उसपे, क्योंकि वो एथियस्ट था, उसने वो इस्लाम मेंटेन नहीं करता था, हाँ, और उसको भी मार दिया था, जाहिद तीन नसीम चार लोगों को आपके सामने मार दिया, और आप कह रहे हो इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी वो मीन होती है क्या तो जो बंदा हमारे आपके नबी के बारे आपके में रिलीजन से बात करे या ना करे, नहीं, अम्मा तो क्या हुआ, आप फिर शरिया उसमें ही बैठे हो ना, आपकी सोच वही, यहाँ पर आप किसी की भी बात करो मिस वो बड़ी किसी महलीज से। मेरी बात तो सुन लो, हाँ हाँ जी बोलिए। महलीज मेरी बात तो सुनो, अब अपनी बात कहे जा रहे हो, नहीं मैं आपका और जवाब वो दे जो रही हमारे हूँ, नबी के बारे में बकवास करेगा उसकी उसको देखें, हमारे नबी के से ऊपर कोई बात नहीं, जो नबी हमारे नबी पर बात करेगा वो वाजिबुल कत्ल है, बस ये क्लियर क्यों कट बात है। आपके नबी अगर इतने स्ट्रॉन्ग बंदे थे वो अपने आप की खुद की प्रोटेक्शन वो नहीं कर हमारे सकते? नबी है, कोई नहीं आपको आप मैंने, नहीं मानते तो आपको नहीं मानते ना आप, तो इजाजी आप नहीं मानते, अब जो बंदा नहीं मानता उसके ऊपर आप थोप रहे हो कि नहीं तुम लोगों को मानना है, थोप रहे हो, इतना वो थोप रहे हो कि वो बाहर मुल्क में जाकर वो बंदे का गला काट दिया आप लोगों ने फ्रांस में, हाँ वो जिस कार्टून बनाए थे वो जाके वो जगह उड़ा दिया आप लोगों ने, फिर कहते हो कि हम मुसलमान क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, यानी अट भी मेरी पट भी मेरी, ठेंगा तेरे बाप का, और फिर कहते हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, मेरे ख्याल से शाही जी ड्रॉप हो गए, या लिख रहे माली जब अफगानिस्तान में तालिबान है पाकिस्तान में मौलवी, आप लोग इतना इस्लाम से डरते क्यों हैं? भैया डरने वाली चीज है तो आप एक काम कीजिए, आप नहीं डरते ना, लगता है कि आप पाकिस्तान से हैं, मैं मूना मोना, तो आप एक काम करें ना, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के आप क्यों नहीं चले आते अफगानिस्तान, वहां चले जाइए, आप तालिबान का हाथ उठाइए,
इस्लाम से आप लोग खुद भी डरते हैं, बाय द वे हम ही नहीं डरते हैं, आप लोग खुद भी डरते हैं। जिस दिन पाकिस्तान में फुल इस्लाम का वो आ गया ना शरिया लॉ, तो आप लोगों की सबकी गांडे ना इतनी इतनी फट जाएंगी। ठीक है, तो आप मेरे को मत बोलिए कि इस्लाम से आप क्यों डरते हैं, डरने वाली चीज अभी तो डरते हैं ना। आप चाहते हो कि तालिबान पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लें, आप चाह रहे हो कि पूरी दुनिया को हम अफगानिस्तान बना दें। नहीं नहीं, आप क्या चाह रहे हो कि हम पूरी दुनिया को जो है 7th century में ले जाएं कि भैया खच्चर पे सवार होकर तुम लोग ट्रैवलिंग करो, और बाकी औरतों को, तो औरतों को सबसे ज्यादा जुल्म जो है ना वो लड़कियों और औरतों पे होगा, तो हम क्यों नहीं डरे, हम क्यों नहीं डरे।